आप रोजाना अपने आसपास कई तरह की कारें देखते हैं। आप में से कई लोगों के पास तो होंगी भी, कई लोगों का कार लेने का ख्वाब होगा। आज टेक्नोलॉजी ऐसे मौकाम पर पहुंच गई है जहां पर ख्वाब सच होते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले सालों में हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसका हम तस्वीर भी नहीं कर सकते। सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसफार्मर कार से लेकर उड़ने वाली कार अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहेगी। हम सोच भी नहीं सकते कि मुस्तकबिल में कार्स की दुनिया कितनी अलग और हाईटेक होगी। चलिए आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं ऐसी अनोखी कार्स जो आपके होश उड़ा देंगी। नए व्यूवर्स जल्दी से दूरबीनी को सब्सक्राइब कर लें। टेस्ला साइबर ट्रक। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने नवंबर 2019 के आखिर में अपने पहले इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक को दुनिया के सामने लॉन्च किया। बाहर से देखने में ये साइबर ट्रक ऐसा है कि ज़ॉम्बीज की किसी मूवी से निकल के आ गया हो, लेकिन मुस्तकबिल की इस कार की खासियत देखकर 25 लाख की शुरुआती कीमत वाले इस साइबर ट्रक को 2.5 लाख लोगों ने फौरन प्री ऑर्डर कर दिया। बता दें कि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाला साइबर ट्रक है जो कि एक बार चार्ज होने पर 400 से 800 किलोमीटर की दूरी 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तय कर सकता है। 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार सिर्फ 6.5 सेकंड्स में ही हासिल कर लेता है। टेस्ला साइबर ट्रक में सिर्फ 6 लोगों की बैठने की गुंजाइश है और 3500 किलो का वजन उठाने की काबिलियत रखता है। फीचर्स और यूनिक डिजाइन की वजह से लोगों को खूब पसंद आया। डेमो के दौरान इस पर हथौड़े से मारकर दिखाया गया, लेकिन इस पर खराश तक नहीं आई। हालांकि जब बुलेट प्रूफ खिड़कियों पर स्टील बॉल फेंकी गई तो वो टूट गयी, जिसकी उम्मीद एलन मस्क को भी नहीं थी। इसकी वजह से वो शर्मिंदा भी हुए क्योंकि डेमो से पहले ऐसा नहीं हुआ था। वैसे साइबर ट्रक की सेल की शुरुआत साल 2021 से 2022 तक अमेरिका की मार्केट में हो जाएगी। इससे पहले फोर्ड की एफ सीरीज 40 से ज्यादा सालों से अमेरिका की सबसे बिकने वाली पिकअप ट्रक रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक हम चलते हैं अगली कार की तरफ। रॉयल रॉयस विजन नेक्स्ट 100। लग्जरी कार बनाने के लिए मशहूर रॉयल रॉयस ने 100 साल बाद चलने वाली लग्जरी कॉन्सेप्ट कार विजन नेक्स्ट 100 का डिजाइन पेश किया। इसे 103EX के नाम से भी जाना जाता है। विजन नेक्स्ट 100 के जरिए कंपनी ने 100 साल बाद आने वाली कार्स के बारे में सोचा, जबकि ज्यादातर कंपनीज आने वाले 10 सालों के बारे में ही सोचती हैं। दरअसल ये कार इतनी बड़ी है कि इसे क्रूज शिप ऑन व्हील तक कहा जा रहा है। खास तौर पर सामान रखने के लिए इसमें जो स्पेस दी गई है वो इसकी खासियत की बुनियादी वजह है। ये तकरीबन 19.4 फीट लंबी जीरो एमिशन सेल्फ ड्राइविंग कार है जिसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं है। ये सिल्क से बने सोफे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट जैसी हाई फीचर से लैस है। अगर आप अपनी आंखें इन शानदार आधे छुपे व्हील से हटाकर इसके जबरदस्त डोर मैकेनिज्म को देखेंगे तो मालूम होगा कि पैसेंजर बाहर निकलने से पहले पूरी तरह से खड़ा हो सकता है। पहली कार को बनाने में $10 मिलियन का खर्चा हो गया। टोयोटा फन VII। दुनिया भर में एक से बढ़कर एक शानदार कार को पेश करने वाली जापान की बड़ी कार्स बनाने वाली कंपनी टोयोटा ने बेहद शानदार और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस कार को पेश किया। बेहद पुरकशिश लुक और हैरतअंगेज फीचर्स को इस कार में शामिल किया गया है। यकीनन ऐसी कार आपने पहले नहीं देखी होगी। इस कार में जिन तकनीक्स का इस्तेमाल किया गया है वो अभी तक किसी दूसरी कार में देखने को नहीं मिली। इस कॉन्सेप्ट कार में कंपनी ने VII यानी के व्हीकल इंटरनेट इंटरेक्टिविटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। फिलहाल ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वर्जन है और कंपनी का दावा है कि मुस्तकबिल करीब में जल्द ही इस कार को मार्केट में पेश किया जाएगा। इस कार की बॉडी बाहर से एक LCD स्क्रीन है जो की पूरी तरह से टच स्क्रीन है। इसे आप बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस कार में आप अपने मन चाहे वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने मोबाइल फोन पे लगाते हैं। यानी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन से रंग की कार लेनी है। टोयोटा की ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें कंपनी ने इस कार में वायरलेस चार्जिंग सिस्टम का इस्तेमाल भी किया है, जिससे आप एक फिक्स एरिया में कार को खड़ी करके चार्ज भी कर सकते हैं।
इस कार में टोटल 3 सीट्स की सहूलत दी गई है, जिसमें से 2 शख्स आगे की तरफ और 1 शख्स पीछे की तरफ बैठ सकता है। ये कार हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट रहेगी, जो आपको कार के बाहर की डायरेक्शन से लेकर आपको आपकी सेहत के हवाले से पूरी मालूमात फराहम करेगी। मुझे तो इस कार का ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी रंग देने का फीचर पसंद आया। और आपको? द हम राइडर। अब हम जिस कार की बात कर रहे हैं, वो पहली नजर में देखने पर आपको एक आम ग्रैंड चेरोकी जैसी लगेगी। हालांकि जब ये कार ट्रैफिक में फंसती है, तब ये आम सी दिखने वाली कार अपनी छुपी हुई काबिलियत का मुजाहरा करती है। द हम राइडर जीप को A2ZFX के स्कॉट बेवरली के डिजाइन किए गए कस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम पर बनाया गया है। एक बटन दबाने पर हाइड्रोलिक सिस्टम ग्रैंड चेरोकी को हवा में ऊपर उठाता है, जहां ये 9 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है और अपने नीचे 5 फीट की खाली जगह बना देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हाइड्रोलिक बाहर की तरफ भी निकल जाते हैं, ताकि एक आम सी कार के अलावा स्टैंडर्ड कार्स को क्लियरनेस देकर आगे बढ़ सके। इसके अलावा आगे बढ़ते वक्त नीचे से किसी कार को कोई नुकसान न हो, ये मालूम करने के लिए कार के नीचे 4 कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर जिन गाड़ियों के ऊपर से जा रहा है उन्हें सही तरीके से देख सकता है। इससे पहले कि आप इसकी प्राइस का अंदाजा लगाएं, हम आपको बता दें कि फिलहाल ये मार्केट में दस्तयाब नहीं है। इसकी बजाय ये वेराजोन के हम प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए बनाई गई एक डिजाइन व्हीकल है, लेकिन इस कार को देख कर हम मुस्तकबिल में आने वाली कार्स का अंदाजा लगा सकते हैं। दायकवाडा। न्यूजीलैंड की एक कंपनी गिब्स टेक्नोलॉजी ने हाल ही में एक ऐसी कार डिजाइन की है, जो कि एक ही रफ्तार से सड़क से पानी में दौड़ती है। ये एक ऐसी कार है जो सड़क पर लग्जरी कार और पानी में बोट की तरह दौड़ती है। इस कार को लोगों के लिए बाजार में उतार दिया गया है। न्यूजीलैंड के अरबपति एलन गिब्स ने इस एक्वाडा कार का इफ्तिताह किया। गिब्स ने इस कार को आम लोगों के लिए बाजार में पेश कर दिया है। ये कार सड़क पर 100 किलोमीटर फी घंटा और पानी में 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागती है। एक बटन दबाते ही ये कार बोट में तब्दील हो जाती है और अपने इस अमल में ये सिर्फ 10 सेकंड का वक्त लेती है। एरोमोबिल। शहरों में बढ़ती ट्रैफिक की वजह से सड़कों का जाम होना आम बात है। इस परेशानी से निजात पाने का तरीका टेक्नोलॉजी के पास है। सुनने में ख्वाब जैसा लगता है ना, लेकिन जल्द ही लोग उड़ने वाली कार में सफर करेंगे। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन आम आदमी की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है कि हम जल्द ही दुनिया की पहली फ्लाइंग कार के प्रोडक्शन वर्जन को देख पाएं। कंपनी का कहना है कि एरोमोबिल एक इंटरग्रेटेड एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ पूरी तरह एक 4 व्हील्स वाली कार भी है। इस कार में एरो और कार के पूरे फंक्शंस हैं। असल में ये मुस्तकबिल में ट्रांसपोर्ट का बेहतर तरीका साबित हो सकता है। वैसे अभी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल दूरबीनी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।